लोकअप अपने प्रीमियर से पहले ही फंस गया है कानूनी पचड़े में। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि एकता कपूर और कंगना रनौत का ये शो जब प्रीमियर में नहीं हुआ था तो इन दोनों ने कहा था कि ये बेहद ही कंट्रोवर्शियल शो होगा और बहुत ज्यादा फेमस भी होगा, टॉपिक पॉइंट होगा लोगों की जुबान पर। पूनम पांडे जैसी और भी दूसरे कलाकारों ने कहा था कि इस शो में बेहद मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है और आपको बहुत सारी गॉसिप देखने को मिलेगी और भी कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। लेकिन अब मजेदार तो ये हो गया है कि 27 फरवरी को इसका प्रीमियर होने वाला था और अब ये आ गया है एक बड़े से कटघरे में आकर खड़ा हो गया है क्योंकि अब ये शो कानूनी पचड़े में पट गया है। यानी कि अब ये शो प्रीमियर होगा कि नहीं, एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल हैदराबाद बेस्ड एक बिजनेसमैन ने इस चैनल और इस शो के खिलाफ एक बड़ा ही हैदराबाद के न्यायालय में अपनी बात पेश की है और केस कर दिया है। उनका कहना है कि ये शो का कॉन्सेप्ट मेरा था और मैंने इसको जेल नाम दिया था, जिसको कि मैंने एनमोल शाइन के एक शख्स से इसके बारे में बात साझा की थी। लेकिन अब आपको बता दूं कि जो कुछ भी आइडिया था कंटेस्टेंट और कॉस्ट्यूम्स, जेलर और ये सब कुछ, सेट का जो भी डिजाइन किया गया है, जेल एंड ऑल, ये सारा मेरा था। लेकिन उस शख्स ने मुझे बैकस्टैब किया है और मुझे धोखा दिया है, ये सब कुछ गलत हो रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि अब ये शो पोस्टपोन होगा ही क्योंकि अब इस पर मेरा कॉपीराइट है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से इसका प्रीमियर हो। अब देखना ये होगा कि क्या कल 27 फरवरी को ये शो प्रीमियर होगा या फिर अब इसको डिले कर दिया जाएगा या फिर इसका प्रीमियर ही नहीं होगा। इससे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हम ही आपको देंगे। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।